वन सेकेंड, नाउ यू आर वॉचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 कट ऑफ मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अगली डेट 18 फरवरी की लगी हुई है और उपेंद्र मिश्रा का अभी सबमिशन कंप्लीट नहीं हो सका है। 18 को दोबारा से उपेंद्र मिश्रा ही अपनी बहस को पूरी करेंगे और कहीं ना कहीं यह बात विचार करने वाली है, सोचने वाली है कि कोर्ट के बाहर चाहे जिस तरह से भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन कोर्ट के अंदर हो यही रहा है कि कोर्ट उपेंद्र मिश्रा के आर्गुमेंट को सुन रही है, समझ रही है और यह कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों को सोचने वाली बात है। मतलब उनके वकीलों को सोचने वाली बात है कि क्या कौन कौन सी इतनी लंबी बहस चल रही है, उनके पॉइंट्स का काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से आपके एडवोकेट्स को कमर कसनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लगातार इनको अगर कोर्ट सुन रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बाहर कोर्ट के चाहे आपको जैसी भी इन्फॉर्मेशन लोगों के द्वारा दी जा रही हो, बट कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, इसी वजह से कोर्ट सुन रही है। अदरवाइज़ बाकी अधिवक्ताओं को कोर्ट सुन नहीं रही है, ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी बात है उपेंद्र मिश्रा की जो बार बार कोर्ट सुन रही है, तो इसमें थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। बाकी उनकी बहस के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने वेबसाइट पर भी दे दिया, आप विजिट कर सकते हो targetwithhimanshu.blogspot.com। साथ ही साथ आपको शाम को कंप्लीट सिनेरियो आज का हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो फिलहाल ये एक है, उम्मीद थी कि जल्दी सुनवाई करेगा बट न्यायालय ने एक हफ्ते बाद की डेट लगाई है, 18 की डेट लगा दी है। अब देखते हैं क्या होता है फ्रेंड, पर थोड़ा होपलेस सभी लोग हैं बट अभी सिचुएशन में क्या कह सकता है, 18 की डेट है। ठीक है, धन्यवाद।